जाति वालों के हैं या अमीरों के हैं उनको छोड़ रहे हैं, बाकी गरीबों के घर मिसमार कर रहे हैं, दुगनी पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं। तो अगले दिन जो मैंने इनसे बातचीत की इसी हवाले से कि भाई जो भी है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सबके लिए है, हम पीर पागारों के मुरीद हैं, पीर पागारों हमेशा हमें ये बोलता है कि कानून की पासदारी करें और कानून की हिमायत करें, और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है हमें सराखों पे, लेकिन आप लोग जो ये धुरी पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं तो खुदा रा ये न करें। उसके बाद मेरे ऊपर FIR हो गई, मैं इधर ही बैठा था तो DSP की कॉल आई कि आप पीर साहब के मुरीद हैं, ये मीरानी बिरादरी रोड़ी दरिया के ऊपर बंदर रोड पे, तो आप आ जाएं, ये एहतजाज कर रहे हैं, आप आए इनको समझाएं तो हमें जो है दुश्वारी न हो ऑपरेशन में। मैं DSP और SDO के रिक्वेस्ट पे मैं गया हूँ उधर, उनको मैंने समझाया है। बाद में DSP ने क्या किया उसको तो बोला हुआ था, पहले ही मैनेजमेंट था, तो DSP ने बोला मोबाइल में बैठो, मोबाइल में बिठा के लॉकअप कर दिया। और आप लोगों ने देखा कि बंदे थे जो आके बैठ गए और पुरअमन बैठ गए, ना कोई दुकान बंद कराई ना रोड बंद कराया, आके खामोश बैठ गए, पुरअमन एहतजाज किया। उसी वजह से मजबूरन मुझे उनको छोड़ना पड़ा और अभी मैं घर पे हूँ और पर्चा दूसरा भी मेरे ऊपर दर्ज हो गया। बिल्कुल कानूनी, अभी हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, वकील करेंगे, पहले जमानत कराएंगे, बाद में जो है जो दोहरी ये पॉलिसी अख्तियार करते हैं तो इसी पॉलिसी की वजह से हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को अपील करेंगे कि कोई ना कोई मतलब कोर्ट का बंदा होना चाहिए जो इसको देखे सारे सिलसिले को। ये तो सारे कमदार बैठे हुए हैं, SSP तो बिल्कुल इरफान समूह इनका कमदार बना हुआ है, जैसे वो कहते हैं उस तरह का।